Students, very good morning. Jai Hind everyone. You all are welcome to our online ELGA classes with the Lead School at Home and with our TMIS home-based education. Student, today I am going to continue my Unit 3, Day 12. Okay? And in phonics, I am going to introduce SK, yani sk blend. Okay? एंड एस एम यानी स्म ब्लेंड. आपको पता ही है यू हैव टू ओपन योर एस आर बुक. आपको एस आर बुक ओपन करना है. ओपन योर एस आर 20 जहाँ पे एस के का साउंड है ब्लेंड से और एस आर 21 जहाँ पे एस एम है. तो लेट अस स्टार्ट बेटा. ओके, सबसे पहले मैं आपको एस के ब्लेंड और एस एम ब्लेंड देखिए यहाँ पे एस आर 21 पे आपने ओपन किया. चलिए लेट अस लर्न सम वर्ड्स. ओके, स्क एंड स्म. स्क स्केट स्केट. स्केलेटन स्केलेटन. स्कर्ट स्कर्ट. स्काई स्काई. स्म अभी मैं आपको स्म वाले ब्लेंड के साउंड सिखा रही हूँ. लेटर एस लेटर एम. स्म स्म. स्मेल स्मेल. स्मॉल स्मॉल. स्मोक स्मोक यानी धुआं. स्मोक. स्माइल आप सबको बताए स्माइल करना है. स्माइल. ओके, लेकिन उसके साथ जो स्पेलिंग्स है वो भी आप लोग रीड करोगे. ओके, तो चलिए करते हैं. ओपन किया. ओके, चलिए फिंगर रखिए. स्केट स्केलेटन. स्कर्ट स्काई. स्कीड स्कीम. स्कीन स्किप. स्मेल स्मॉल. स्मोक स्माइल. स्मॉक स्मग. ओके, अब ये स्लाइड्स देखते जाइए आप वापस. सीधे स्लाइड्स. ओके, दिस इज माय सेकेंड सेक्शन होल वर्ड्स. लेकिन उससे पहले वी विल प्ले वन एक्टिविटी ऑफ फोनिक्स. आगे भी हमने बहुत बार ये एक्टिविटी खेला है. अगर मैं एस के स्क ब्लेंड के साउंड्स के वर्ड्स बोलूं तो आपको पुट ऑल योर हैंड्स ऑन योर हेड. हेड पे रखना है. और स्म वाले बोलूं तो यू हैव टू पुट योर हैंड्स ऑन द नीज. घुटनों पे रखना है. रेडी एवरीवन, क्लोज योर आइज. आंखें बंद कर दीजिए. लिसन द वर्ड केयरफुली. माय फर्स्ट वर्ड इज स्कीड. Skid. Yes, on the head. Smog. Smog. On the knees. Smile. Smile. On the knees. Skin. Skin. Yes. On the head. Scheme. Scheme. On the head. Smug. स्मग. अभी आप सोचिए और करिए. स्मग. स्की स्की स्की. देन स्मार्ट स्मार्ट स्मार्ट. स्मॉल स्मॉल. ओके डन. वेरी गुड चिल्ड्रेन. नाउ टुडे आई एम हियर विथ माय सेकेंड सेक्शन होल वर्ड्स. और हमें रिकैप करना है. ओके, याद रखना ये सारे रिकैप के वर्ड्स होल वर्ड्स के. वर्क्स वर्क्स. कम ऑन स्पीक विथ मी ट्वाइस. दो बार बोलो. स्कीप कीप्स कीप्स. मेट मेट. सेफ सेफ. आफ्टर आफ्टर. ओके, याद है आपको. वर्क्स कीप्स मेट सेफ आफ्टर. याद रखना. अंडरस्टूड.
Okay, children, open your SR book, SR 17. And now take your pencil eraser in your hand. यहाँ पे आपको क्या करना है पता है? I am going to read a story for you. ये पहली बार है इसलिए. और आपको जहाँ पे भी वो whole words आते थे, works, keeps, met, save, after, उसको ढूंढना है और circle करना है. Ready? Take your pencil. Be ready. Okay. Who guards the guts? Author. Sakshi Bhatia. Illustrator. Minesh Shah. First number page पे concentrate करिए. Dhanu is from Nepal. आप Dhanu भी बोल सकते हो, Dhanu भी बोल सकते हो. Okay? He works as a guard in my building. बेटा जो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे हाउस को, हमारे बिल्डिंग को गार्ड करता है, उसको हम वॉचमैन भी बोलते हैं. अंडरस्टूड? ओके. वो उसकी बिल्डिंग. सोचिए इसमें कौन सा होल वर्ड आया. थिंक एंड सर्कल इट. कम टू द पेज नंबर टू. ही इज अवेक ऑल नाइट. वो पूरी रात जागता है. अवेक का मतलब जागते रहना. ही कीप्स अ वॉच टू एवरी वन. वो सब पे वॉच रखता है. पेज नंबर थ्री. ऑल द थीव्स आर स्कैर्ड ऑफ हीम. सारे थीव्स मतलब कौन? चोर. वो स्कैर्ड है, डरते हैं उससे. सोचिए वहां पे कौन से होल वर्ड्स गए और सर्कल इट. पेज नंबर फोर. आई मेट हीम वन डे. मैं उसको एक दिन मिली. आई आस्क हीम Why did you become a guard? तुम guard क्यों बने? He said, Nepali people are strong. वो कहाँ से आया था? नेपाल से. और उसने बोला कि नेपाली people are strong. वो डरते नहीं हैं. इसलिए मैं guard बन गया. Understood? Some of them are policemen. Some of them are soldiers. देखो, कोई policeman बनता है तो कोई सोल्जर्स बनता है. और वो हम सबको प्रोटेक्ट ही करते हैं, गार्ड ही करते हैं. अंडरस्टूड? सम ऑफ देम आर गार्ड्स. और कोई गार्ड्स बन जाते हैं. ओके. वी लव कीपिंग पीपल सेफ. हमें अच्छा लगता है, हम प्यार करते हैं कि हम पीपल को सेफ रखते हैं. जहां जहां पे भी होल वर्ड्स आते हैं, वर्क्स, कीप्स, मेट, सेफ, आफ्टर, उसको सर्कल करिए. SR 19 पे ये ऑरेंज में क्या लिखा है? Did you know? Mount Everest, the highest mountain in the world. देखो ये Mount Everest है. और it is the highest mountain. बड़े से बड़ा mountain है. Is in Nepal. वो कहाँ पे आया है? कहाँ पे located है? नेपाल में. To see Mount Everest, you first need to go to Kathmandu. अगर आपको ये देखना है तो पहले आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? काठमांडू में. फ्रॉम देयर टेक एन एरोप्लेन टू लुकला. ओके. वहाँ से आपको एरोप्लेन लेना पड़ेगा और वहाँ से आपको लुकला जाना पड़ेगा. फिर आपको माउंट एवरेस्ट दिखने को मिलेगा. अंडरस्टूड बच्चा? अभी देखिए. You are very brave and helpful. I said, I thanked him for keeping us safe. Thank you. देखो यहाँ पे कैप्शन में, ऊपर पिक्चर में, उसने बोला तुम बहुत ब्रेव हो और आप सबको हेल्पफुल हो, हेल्प करते हो और आप हमें सेफ रखते हो, तो थैंक यू. पेज नंबर 10 पे आ जाइए. I was thinking of Dhanu after going home. जब वो घर पे गई तो भी उसके दिमाग में कौन चल रहा था? That watchman, that guard, Dhanu. If Dhanu guards us, then who guards him? अगर वो हमें गार्ड करता है तो उसको कौन गार्ड करता है? उसको कौन सेफ रखता है? उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? ऐसे उसके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं. वहां पे भी आप सर्कल कर लीजिए बेटा. चलिए चेक करिए. नंबर वन पे वर्क्स है, वर्क्स. नंबर टू पे, पेज नंबर टू पे कीप्स.
पेज नंबर 4 पे आ जाइए, यहाँ पे मैट का स्पेलिंग है। पेज नंबर 8 सेफ, पेज नंबर 9 आल्सो सेफ एंड 10 पे आफ्टर। और कोई है तो आप ढूंढ सकते हो और सर्कल कर सकते हो। ओके बच्चा, इन माय रीडिंग लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन मैं आपको रिकैप करवाने जा रही हूँ। क्या रिकैप करेंगे? ओपन योर एसआर बुक एसआर 5, उसमें मैंने आपको बोला था मेन आइडिया एंड डिटेल्स। द मेन आइडिया इज व्हाट द स्टोरी इज मोस्टली अबाउट। अगर आपके सामने कोई पिक्चर्स है या फिर आप कोई स्टोरी सुनते हो तो आपको सोचना है कि ये स्टोरी किसके बारे में है। व्हाट द स्टोरी इज मोस्टली अबाउट, स्टोरी क्या कहता है हमें, दैट इज कॉल्ड मेन आइडिया। लेकिन वो कैसे मिलेगा? लुक एट द पिक्चर, पहले पिक्चर देखो। लुक एट द डिटेल्स, डिटेल्स को भी देखना पड़ेगा कि पहले क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, लास्ट में क्या होता है। ओके मेन आइडिया, द स्टोरी इज मोस्टली अबाउट अ फैमिली आउट ऑन अ पिकनिक। फैमिली पिकनिक पे गया है, स्टोरी उसके बारे में है। डिटेल्स, वी कैन सी पीपल सिटिंग इन अ गार्डन, सबसे पहले मैंने देखा कि गार्डन में बैठे हैं। दूसरा, वी कैन सी सम स्नैक्स, फूड है वहाँ पे एंड ड्रिंक्स भी है। एंड नेक्स्ट, वी कैन ऑल्सो सी सम चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द ग्राउंड, ये उसकी डिटेल्स हो गई। ओके लाइक दिस वे हमें डिटेल्स और मेन आइडिया को फाइंड आउट करना है, पिक्चर को देख के ऑब्जर्व करके। ओके कॉन्सेप्ट टाइम अगेन बच्चा, बाय लुकिंग द पिक्चर्स आपने वो मेन आइडिया ढूंढा। ओके अभी आप लोग को एसआर 11 ओपन करना है, वहां पे आपको मेकिंग इन्फ्रेंस, मेकिंग एन इन्फ्रेंस मीन्स गैसिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टोरी बाय लुकिंग एट द पिक्चर। पिक्चर को देखिए और गैस करिए, थिंक करिए कि स्टोरी में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। ओके लुक एट द पिक्चर, थिंक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग बेस्ड ऑन व्हाट यू सी। सोचिए हाउ डू वी गैस व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टोरी, अभी हम कैसे गैस करेंगे? बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स, पिक्चर को देख के एंड थिंकिंग और सोच के व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट देम, उसके बारे में हमें क्या पता है। आया समझ में? आई कैन सी अ बॉय वेयरिंग अ कोट, देखो ये पिक्चर किसका है, अ बॉय वेयरिंग अ कोट, हैंड ग्लोव्स एंड अ कैप। आई थिंक इट इज कोल्ड आउटसाइड, मैंने सोचा शायद बाहर ठंडी है इसलिए ये बच्चे ने वूलन क्लोथ्स पहन के रखे हैं। एंड दैट इज व्हाई ही इज वेयरिंग दिस क्लोथ्स, अंडरस्टूड? ओके बच्चास, अभी मेरा तीसरा टॉपिक है हाउ टू रिकैप फाइंड मीनिंग ऑफ अ न्यू वर्ड्स। कोई भी न्यू वर्ड्स आपके स्टोरीज में होते हैं तो आपको उसका मीनिंग कैसे पता चलता है? चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करती हूँ, हाउ डू वी फाइंड द मीनिंग ऑफ अ न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड्स के मीनिंग कैसे फाइंड करेंगे? आंसर, वी लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड अदर्स वर्ड इन द सेंटेंसेस अलोंग विद द टेक्स्ट। सोचो कि आपको गैसिंग का मीनिंग नहीं पता है कि गैसिंग मतलब क्या, तो आपको सेंटेंस को रीड करना है, उसके आजू बाजू के जो वर्ड्स है वो भी रीड करो ताकि आपको थोड़ा समझ में अंडरस्टैंड आ जाए, अलॉन्ग विथ देम टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड्स। कोई भी न्यू वर्ड्स का मीनिंग आपको इसी तरह से पता चलता है, अंडरस्टूड बेटा? चलिए ग्रुप रीडिंग करेंगे हम हमारी स्टोरी का, हु गार्ड्स अवर गार्ड्स, वो स्टोरी का पूरा ग्रुप रीडिंग करिए आप लोग, अंडरस्टूड? जैसे कि घर में कोई भी हो उसको आपके सामने बिठा दीजिए, एक सेंटेंस आप रीड करिए, दूसरा सेंटेंस वो रीड करेगा। नाउ चिल्ड्रेन ओपन योर वर्कबुक WS18 question 2, उसके साथ ओपन योर नोटबुक, नोटबुक भी ओपन करिए।
Take your pencil and eraser. Take your pencil and eraser. सबसे पहले आपको नोटबुक में ये लिखना है What was the story about? क्वेश्चन कॉपी करिए. पहले नोटबुक में लिखिए. ओके, ड्रॉ दिस टेबल इन योर नोटबुक. ड्रॉ दिस टेबल वो बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले ये लिखो What was the story about? थिंक, हमारी स्टोरी थी Who guards the guards? वो स्टोरी मोस्टली अबाउट किसकी थी, वो लिखो. उसका आंसर आपको ही लिखना है और इसी क्वेश्चन में से कीवर्ड्स को उठाओ. द स्टोरी वॉज अबाउट, इतना आप क्वेश्चन में से कॉपी करिए. गार्डिंग एंड कीपिंग द पीपल सेफ, हुआ ना वो मोस्टली अबाउट, कि गार्ड करो और पीपल को सेफ रखना है. ओके, यहां पे भी आप लिखो द स्टोरी वॉज अबाउट. और डिटेल वन, पहले स्टोरी में क्या होता है, डिटेल टू एंड डिटेल थ्री, फिल अप द डिटेल्स. इस बार मैं आपको कोई आंसर नहीं दिखाऊंगी. वी विल चेक द आंसर्स इन नेक्स्ट क्लास. पहले नोटबुक में लिखिए एंड देन राइट इन योर वर्कशीट. ओके चिल्ड्रेन, अगेन ओपन योर नोटबुक. नोटबुक ओपन करो. ड्रॉ दिस टेबल इन योर नोटबुक, आपको ड्रॉ करना है इन माई ग्रामर सेक्शन. आपको अगेन ये टेबल को ड्रॉ करना है. लिखो सेंटेंस, नाउंस, वर्ड दैट टेल अस अबाउट द नाउन. लिखा? ओके ओके, हियर वन सेंटेंस इज देयर बच्चा. फॉर दिस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी आपको क्या करना है, रीड दिस सेंटेंस विथ योर ग्रुप मेंबर्स. लेकिन आप घर पे हो तो आप मम्मी के बाजू में बैठ के आप लिख सकते हो. नंबर वन सेंटेंस लिखो, इन द पॉट विलेज देयर वॉज अ जार. पॉट विलेज, आप ये सेंटेंस को कॉपी करो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, सेंटेंस वन तो आपने वन नंबर लिखा. राइट अ सेंटेंस नंबर इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल. नंबर वन लिखा. नाउंस में क्या लिखोगे, व्हाट इज नाउन. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. नेम ऑफ अ पॉट मतलब थिंग है, विलेज प्लेस है, जार थिंग्स है जो आप यूज करते हो. सेंटेंस में से नेमिंग वर्ड को ढूंढो, नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग्स, और उसमें लिखो इसी तरह से. चलिए अभी जो नाउन के आजू बाजू के जो वर्ड्स थे, वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द नाउन्स, चाहे वो एक सिंगुलर हो, चाहे वो स्पेसिफिक हो, जनरल हो या स्पेसिफिक हो, तो द और अ. अंडरस्टूड? सेम वे बेटा, पहले ये कॉपी करो फोर सेंटेंसेस. नंबर टू, ही हैड वन लीड, दे वर फ्रेंड्स. नंबर थ्री, वन डे द जार वॉज गोइंग टू सी द किंग. नंबर फोर, द जार हैड मिल्क इन इट, ही वॉन्टेड द लीड टू कम विथ हिम, बट द लीड वॉन्टेड टू स्लीप, ही डिड नॉट गो. नंबर फाइव सेंटेंस था. ओके, कॉपी करिए. नंबर सिक्स, सेवन, एट, जार वेंट टू सी द किंग, जस्ट देन An end came near the jar. Number 8. He did not see the end at first, but then two more ants come after that. Number 9. The three ants drank all the milk and the jar was left crying. सबसे पहले आपको वो टेबल ड्रॉ करना है, फिर 1 to 9 सेंटेंस को कॉपी कीजिए बेटा. फिर नंबर वन सेंटेंस पे आ जाइए, इन द पॉट विलेज देर वॉज अ जार. फिर मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, सेंटेंस वन, नाउन कौन कौन से है वो लिखा था हमने, पॉट विलेज जार, और उसके आजू बाजू के वर्ड्स, वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द नाउन, तो वो भी लिखा. राइट, सेम वे थिंक अबाउट नंबर टू, राइट डाउन नंबर टू सेंटेंस में. नाउन कौन कौन से है उसको उठाओ, लिखो वहां पे,
और आजू बाजू के नाउन के वर्ड्स. अंडरस्टूड? सेम वे कंप्लीट टिल नाइन. नाइन तक कंप्लीट कीजिए. डू इट बाय योर ओन सेल्फ. नाउ चेक योर आंसर चिल्ड्रेन. एवरीवन चेक द आंसर्स. और नहीं भी समझ में आया है तो आंसर्स को चेक करो और कॉन्सेंट्रेट करो एंड ट्राई टू लर्न इट. ओके चिल्ड्रेन, इन माय राइटिंग स्पीकिंग एक्सप्रेशन ओपन योर WS 14. इन दिस राइटिंग हमने क्या किया था इन अवर प्रीवियस क्लासेस, लास्ट क्लासेस, वी हैव ऑब्जर्व दिस पिक्चर, वी हैव अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस ऑल्सो, वी हैव रिटन द डिटेल्स इन नोटबुक एज वेल एज इन वर्कशीट. दोनों में डिटेल्स भी लिखा था. लुक एट द पिक्चर्स, करेक्ट पिक्चर्स, रीड द डिटेल्स, ओपन योर नोटबुक जहाँ पे आपने ये लिखा था वापस. नाउ व्हाट वी विल डू इन द फ्रेश पेज, अगेन टेक न्यू पेज, फ्रेश पेज, इसी सारी डिटेल्स को फाइनली विदाउट एनी मिस्टेक्स ट्राई टू कॉपी अगेन. वापस कॉपी करो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट सेंटेंस अगेन कॉपी करिए. करेक्ट ऑल द स्पेलिंग मिस्टेक एंड डू द फाइनल फेयर वर्क ऑन द न्यू पेज. अंडरस्टूड बेटा? ओके, वो करने के बाद आपको क्या करना है, इसी स्टोरी को नरेट करना है इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स. ओके, इन लास्ट क्लास हमने क्या किया था, वी हैव ऑर्डर इन करेक्ट सीक्वेंस, देन वी हैव रिटन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, ये रहे. ओके, वी करेक्ट इट बाय मेकिंग अंडरस्टैंडिंग. हमने उसको करेक्ट भी किया था जहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको और वर्ड्स में भी ऐड करके नए सेंटेंस भी बनाए थे. अभी इसी को फ्रेश पेज पे लिखिए अगेन फाइनल, ताकि आपको रिटन प्रैक्टिस मिल जाए. नाउ लेट अस प्रैक्टिस टेलिंग दी स्टोरीज टू अदर्स. अभी इसी स्टोरी को आप बताइए सबको. ओके, अ बॉय ईट्स बनाना. वन बॉय वॉज देयर ईटिंग बनाना. ओके, ऑन द रोड, ऑन द ग्राउंड, ऑन द पार्क, उसी तरह से आप नरेट करिए. एंड नाउ चिल्ड्रेन, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दिस इज योर होमवर्क. प्रैक्टिस रीडिंग द वर्ड्स फ्रॉम SR 22 ऑफ SR 1. आपको सारे होल वर्ड्स को प्रैक्टिस करना है रीडिंग करके. अंडरस्टूड? टिल देन टेक केयर. बाय बाय एंड जय हिंद बेटा. हैप्पी लर्निंग.